घमंडी बिजली चोर बुद्धिमान भेद। बरमपुर नाम के गांव में साहू नाम का धनवान रहता था। उसके बहुत सारे धंधे थे। वो गलत तरीके से बहुत पैसे कमाता था। वो पैसे का बहुत लालची था। उसके साथ साथ वो कंजूस भी था और चोर भी। गांव के बाहर उसका एक राइस मिल था। वहां काम करने वाले मजदूरों को वो पैसे नहीं देता था और उन्हें परेशान करता था। उन मजदूरों में एक मजदूर था रामैया। रामैया के पास एक सांड था जिसका नाम था भीम। रामैया भीम को बड़े लाड़ प्यार से पालता था। वो सांड हर रोज रामैया के लिए खाना लेकर आता था। कभी कभी तो भीम अपनी पीठ पर रामैया को बिठाकर राइस मिल तक छोड़ आता था। एक दिन राइस मिल का बिजली का बिल देखकर साहू, अरे बाप रे, बिजली का बिल इतना कैसे आ गया? भाई ऐसा चलता रहा तो राइस मिल चलाना बहुत मुश्किल है। लगता है ये बिजली के डिपार्टमेंट वाले मुझे लूटना चाहते हैं। मुझे कुछ ना कुछ करके इस बिजली के बिल को कम कराना होगा। यूं सोचा तभी उसकी नजर राइस मिल के पास वाले बिजली के खम्भे पर पड़ी। उसे देखकर साहू के दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन सवेरे सवेरे साहू उस खंबे पर चढ़ा और अपने फैक्ट्री के लिए जाने वाले बिजली के तारों को उस खंबे के तारों के साथ जोड़ दिया। उस दिन से राइस मिल में चोरी वाले करंट से ही काम चलने लगा। उसका असर ये हुआ कि गांव में सबके घरों में बिजली चली गई। उनके घरों में न बत्ती जलता था, न टीवी चलता था, न एसी, न मिक्सी, न फ्रिज। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। शाम होते ही साहू बिजली के खंभे पर चढ़ता और उन तारों को खींच लेता। यूं हर रोज सवेरे वो बिजली का तार लगाता और शाम को तार उतार देता। दिन भर सब गांव वाले बहुत परेशान थे। उस महीने के बिजली के बिल को देखकर साहू खुशी के मारे नाचने लगा, क्योंकि उस महीने बिजली का बिल बहुत कम आया था। साहू का लालच बढ़ने लगा। उसने बिजली के तार को शाम को उतारा नहीं, उसे वहीं रहने दिया और मजदूरों से रात को भी नाइट शिफ्ट कराने लगा। जब रात को भी उनके घर की बिजली जाने लगी तो लोग गर्मी के मारे घर के बाहर आंगन में ही सोने लगे। इसका ये परिणाम हुआ कि रात को चोर लोगों के घर में जाकर चोरी करने लगे। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। वो सब मिलकर पुलिस के थाने गए और वहाँ शिकायत करने लगे। पुलिस वालों से एक आदमी, ये क्या है साहब, हम तो बहुत परेशान हैं। पता नहीं कब बिजली आती है और कब जाती है। बिजली के दफ्तर में जाओ तो वो कहते हैं कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। वो कहते हैं बिजली चुराने वाले से हमारा कोई मतलब नहीं है, जाकर पुलिस में शिकायत करो। आपसे शिकायत करें तो आप कहते हैं हम नहीं जानते। तो हम किससे फरियाद करें साहब, बोलिए। तभी एक औरत, एक तो बिजली नहीं होती और अब चोरियां भी बढ़ गई है। गर्मी से परेशान होकर हम बाहर सोते हैं, चोर अंदर घुसकर सारा माल लूट जाता है। मारे गर्मी के घर के अंदर सो नहीं सकते, हम अपना दुखड़ा किसको सुनाएं? पुलिस वालों को समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या समाधान दे, किससे पूछताछ करें, क्या करें, और उन्होंने सर पकड़ लिया। एक दिन भीम रामैया के लिए खाना लेकर जा रहा था कि तभी उसने देखा कि साहू रामैया को मार रहा है। साहू रामैया से, अरे मैं जो पैसे दे रहा हूँ उसे लेने के बजाय तुम मुझसे हिसाब मांगते हो। तू क्या समझता है कि तू यहाँ कलेक्टर की नौकरी कर रहा है? चाहे तुम नाइट ड्यूटी करो या दिन में, तुम्हें इतने पैसे ही मिलेंगे। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, चलो दफा हो जाओ यहाँ से, कहकर उसे धक्का दिया। ये देखकर भीम को बहुत गुस्सा आया। वो साहू को सबक सिखाना चाहता था। अगले दिन से साहू जहाँ जहाँ जाता भीम उसका पीछा करता। भीम इस मौके के ताक पे था कि कब मौका मिले और वो साहू को सींग मारे। एक दिन शाम को भीम ने साहू को मिल के पास खड़ा देखा। साहू, भाई थोड़ी देर के लिए आज बिजली का तार निकाल देते हैं, वरना गांव वालों को शक हो जाएगा। यूं सोचकर वो खंबे पर चढ़ा और तारों को खींचने लगा। साहू खंबे से नीचे उतर रहा था कि तभी भीम वहाँ आया और साहू के पिछवाड़े में उसने सींग दे मारा। डर के मारे साहू फिर से खंबे पर चढ़ गया। नीचे भीम मारे गुस्से के जोर से आवाज दे रहा था। साहू ऊपर, अरे बाप रे, ये मेरे पीछे क्यों लग गया, अब इससे कैसे बचूं? ऐसा सोचा। अब रात भर साहू ऊपर खंबे पर लटका था और भीम नीचे उसका इंतजार कर रहा था। अगले दिन सब गांव वाले वहां आए और उन्होंने साहू को खंबे पर देखा। तब वो समझ गए कि बिजली का चोर है कौन। बस उसे नीचे उतारा और उसे खूब मारा, फिर उसे पुलिस के हवाले किया। इस तरह साहू जेल चला गया।